Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Begumpur स्थित उस सवरास पर एक साड़ी बदलने को लेकर खासा हंगामा हुआ है। करवा चौथ से पहले लेकर गई साड़ी बदलने आज महिला वहां पहुंची थी। खासता हाल इस साड़ी को वह बदलना चाहती थी, जिससे उस सरास मालिक ने बदलने से इनकार कर दिया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने बिल फाड़ दिया, जिस पर महिला ने बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर साड़ी को आग के हवाले कर दिया। इससे वहां कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। पुलिस की मौजूदगी में महिला ने कहा कि करवा चौथ पर वह 5,000 रुपये की साड़ी लेकर गई थी। अगले ही दिन वह साड़ी नीचे से फट गई। वह उसे बदलने यहां पहुंची थी। उससे उस सरास के कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद महिला को साड़ी के पैसे वापस करा दिए गए। खुद को समाज सेविका बता रही इस महिला ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम क्या? मैं करवा चौथ पर साड़ी लेने आई थी, तो हम एक भैया यहाँ पे, उनसे हम साड़ी ले गए थे। उन्होंने दी मुझे 5,000 रुपये की साड़ी, 10 रुपये उसमें से चेंज दिए थे, 5,000 रुपये पूरे गए थे मेरे। हम कहने, अब हमने एक बार साड़ी पहनी, एक बार पहन के, क्योंकि बाहर भीतर रहते तो साड़ी ज़्यादा पहन नहीं पाते हैं। अब हम यहाँ पे साड़ी, वो यहाँ से भी छन गई, यहाँ से भी छन गई, नीचे से वो चप्पल से ही लग के फट गई साड़ी। एक बार की चप्पल में से तो फटती नहीं है, वो कपड़ा ही सारा छनना था। हम यहाँ पे दिखाने आए, हमने लोगों को दिखाई वहाँ पे, मगर ये हम तो 5,000 की साड़ी लाए, बिल्कुल बेकार निकल गई। लोग वहाँ कहने लगे कि हम तो इसको दो की भी नहीं खरीदते। मैं, कोई नहीं, मुझे अच्छी लगी, मैं ले आई। भाई करवा चौथ पर महंगाई थी, करवा चौथ पर महंगाई थी, हो सकता है हम इनके रेट बढ़ के दिए। वो मैं, हम आए इनको दिखाने के लिए, वहाँ आए थे, अपना बिल लेके आए थे। मैं, भाई हम 11 तारीख को साड़ी लेके गए थे यहाँ से। हम कहने लगे, भैया जी साड़ी आपकी बेकार है। हमसे पूछने लगे ये लोग, मैडम क्या है, साड़ी लोगे? मैंने कहा नहीं भैया जी, क्योंकि जिससे हम साड़ी लेके गए, वो कमीज में बैठे हुए भैया जी, उनके पास हम गए। हम कहने लगे, भैया जी साड़ी बेकार। उन्होंने देखी, उनको बड़ा दुख हुआ, कहने लगे ये तो चेंज करवानी है मैडम जी। हमसे बोला उन्होंने, मैं भैया जी इसको चेंज कराइए, और देखो ब्लाउज भी सिलाई के जाते हैं, पेटीकोट सिलाई के भी जाते हैं, कौन इतना पैसा लाएगा? अब बस ये दोनों, एक ये एक और आके मेरे को, मतलब एक ही चीज दिखाने लगे, जो साड़ी चप्पल में ही लगी थी उसको, ये देखिए इतना तेज ऊंची आवाज में, तो महिला भी बोलना जानती है ना। उसके बाद में हम ऊंची आवाज में इनसे बोले, इन्होंने धमकी देने लगे हैं कि अभी हम पुलिस बुलाते हैं उनको। हमने भी कुछ बोला, झूठ ना बोलिए। मैंने साड़ी जला दी, मैं क्या करूंगी फटी हुई का? जब ये चेंज नहीं कर रहे तो मैं फटी हुई का पूरी, कोई मैं फटे हुए कपड़े पहनूंगी? हाँ जी, मैंने रोड पर साड़ी रख के जला दी, मैं क्या करती हूँ उसका, बताइए आप। सारी फट रही है यहाँ, सब लोगों ने देखी है। अब आप क्या चाहती है? देखो मैं ये चाहती हूँ भैया जी, या तो मुझे पैसे वापसी कराएं, इन्हें मैं इनकी दुकान की छवि खराब कर दूंगी, साफ बात है। क्योंकि आज तो मैं हूँ, चल मेरे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है कि मैंने पहली साड़ी खरीद कर, और गरीब महिला जो लेंगी वो क्या करेंगी बेचारी? आपने जला दिया पैसे, मतलब वो कैसे मामला सुलझ जाएगा? साड़ी तो सारी फटी हुई थी, सारी फटी हुई थी, इन्होंने मेरे हाथ में से बिल लेकर फाड़ दिया। मैंने साड़ी फाड़ जला दी। नहीं, हमारे पास। अब आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, मुझे नहीं पता सर। देखिए मैंने इनसे नहीं, आपको अगर हमारी मदद चाहिए थी तो आप हमारे पास आती तब बताती। आपने साड़ी जलाकर रोड पर, ये तो एक तरह से इन्होंने जब मेरा बिल फाड़ दिया और मुझसे इस तरीके से बोलने लगे, कानून की क्या मदद आप आई थी हमारे पास? क्योंकि ये उन्होंने फाड़ दिया तो आप आए थे हमारे पास, इन्होंने तुरंत ही धमकी दी मुझे। हाँ भाई, तुम भी कोई कार्रवाई चाहते हो कुछ भी? सर हमने कुछ कर ही नहीं है, कोई भी कोई कार्रवाई नहीं चाहता। नहीं, मैं तो चाहती हूँ मुझे साड़ी चाहिए। चंद जब इन्होंने बिल लेके फाड़ दिया, मैंने आग लगा दी। इस बारे में उस सवरास के संचालक रूपेश ने दी जानकारी, देखिए। रूपेश जी, ये बताइए कि ये जो महिला जिसने साड़ी में आग लगाई, क्या पूरा मामला था? एक्चुअली ये हमारे साड़ी ले गए थे यहाँ से, और उसके बाद आज करीब 1.5 महीने बाद लेके आए हैं साड़ी, नीचे साड़ी फाड़ गए होके, और यहाँ पर हमें आकर के कहने लगे कि ये साड़ी जो आपके यहाँ से ऐसी गई है। हमने उन्हें कहा जी तो हमारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर साड़ी गई है, और ये आपने देखो पहनी हुई है साड़ी, फटी हुई साड़ी है आपकी। तो उसके बाद उन्होंने जो है हमने कहा कि चलो हम इसको रिपेयर करवा देते हैं, फिर भी कुछ जो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो मीडिया को बुलाएंगे, ये साड़ी मुझे दीजिए। वो बाहर ले गए, बाहर ले जाकर उन्होंने साड़ी जला दी, और फिर अंदर आए वो, और आप सबको पता ही है, उसके बाद हमने उनको पैसे वापस कर दिए। चलिए ठीक है।
अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।